ये देखिए मंदिर दिखाया हमें, एकदम प्यारा सा शिव जी का, ओम नमः शिवाय। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी ये वाटरफॉल देखा है, ये नीचे जा रहा है, ये देखिए बह रहा है इधर, इसको पार करते हैं। तो फाइनली माणा गांव पहुंच चुके हैं और बहुत ही मतलब अच्छा अनुभव है हमारा यहाँ पे आने का। और आप कभी बद्रीनाथ आते हैं तो माणा गांव जरूर आइए, आपका एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहेगा। और अपने सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूँगा, माणा में आप आ सकते हैं, भीमपुर है, सरस्वती रिवर है, वसुधरा फॉल है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, इसके बाद और भी अभी एडवेंचर बाकी है, एक रात ब्लॉग को देखते रहिए। फाइनली पहुँच चुके हैं हम माणा गाँव में और आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सा संदेश दिखा, देश का मान माणा, 14 सितंबर 2023 11 बजे। तो आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को। और सुबह आज जल्दी भी उठ गए थे 4 बजे, तो आप बने रहिए जेम्स राउत ब्लॉग में, दिखाता हूँ आपको कुछ कुदरत के बेहतरीन नज़ारे और माणा गाँव। ये इस तरह के से है, ये देखिए यहाँ पे माउंट व्यू है। और ये इस तरह से अभी तो दुकानें बंद हैं, बट ये देखिए ये उधर वैली है माउंटेन्स की, इधर देखिए इधर एक ग्लेशियर है, ये यार देखिए। और इधर हम अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारे, आहा मस्त जगह है। ये देखिए यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं और इस तरह से यहाँ पे ये मार्केट है पूरी माणा की। हाँ आई प्योर भोटिया को डॉगी हमें, ये देखिए जबरदस्त है भाई साहब, मजा आ गया। देखिए तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सरस्वती रिवर को देखने के लिए और यहाँ से हमें भीम पुल भी दिखेगा, ठीक है दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे भाई बहुत अच्छा सा मंदिर बना हुआ है, इसके कुछ नज़ारे दिखाते हैं आपको। यही है सरस्वती रिवर। ओए यही है सरस्वती रिवर, तो यहाँ पे देखिए पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन सरस्वती, ये देखिए। और ये नदी है सरस्वती, देखिए भीम पुल आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये सरस्वती नीवे नदी जा रही है नीचे, ये ऊपर निकल रही है, अलकनंदा के साथ मिल रही है। ये है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, देखिए हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान माना। चलो अभी ये देखिए ये कुछ प्रतिमाएं हैं जो अभी ढक रखी है, इनमें शायद काम चल रहा है निर्माण का। और उधर ग्लेशियर, और ये देखिए इधर कहीं पे संगम है सरस्वती का और अलकनंदा का, ये देखिए। चलो आगे बढ़ते हैं वसुधरा फॉल की ओर। चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं, ये है माँ त्रिपुला त्रिपुल बाला सुंदरी मंदिर, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वो देखिए चांद भी दिखाई दे रहा है कितना, ये देखिए चंद्रमा, ओहो बहुत ही सुंदर नज़ारे। और ये चट्टान देखिए एक बार भाई साहब, खतरनाक है। ओ भाई
तो गाइस ये है ट्रैक वसुधरा फॉल का जो कि माणा गांव से स्टार्ट हो रहा है। ओ भाई उधर देखिए क्या ग्लेशियर है, मज़ा ही आ गया। और इधर ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे और ये ट्रैक जा रहा है आगे। ये देखिए चांद भी, ग्लेशियर भी, धूप भी, सब एक साथ, बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। हमारा वसुधरा पार्ट वन आ चुका है ये देखिए, और यहाँ से ये नीचे जा रहा है ये देखिए। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम, और जस्ट इस पहाड़ी के पीछे हैं केदारनाथ, और इधर मैं आपको दिखाता हूँ ये है हमारा वसुधरा फॉल। ये देखिए क्या ही सुंदर नज़ारे हैं, बेहतरीन कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारे। चलो आगे, अभी जस्ट ये मंदिर दिखाया, जय महादेव, ओम नमः शिवाय, और हमें उधर जाना है। देखिए ये ऊपर से गिर रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा वसुधरा फॉल भी कंप्लीट हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। जस्ट ये ग्लेशियर के पीछे केदारनाथ है, और ये देखिए वसुधरा फॉल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए क्या बेहतरीन है, देखिए बेहतरीन कुदरत के नज़ारे, मस्त बेहतरीन कुछ कुदरत के नज़ारे। पहाड़ सुकून तो सिर्फ पहाड़ों में है, शहरों की भीड़ में कहा। ये देखिए बेहतरीन नज़ारा, ये है मंदिर देखिए माँ सरस्वती का। देखिए ये देखिए माणा गांव मिले हैं स्मार्टी भैया, और ये देख सकते हैं इन्होंने उत्तराखंड की कैप पहनी हुई है, और देखिए चेहरे पे इतनी मुस्कान है। कैसे लग रहा है आपको बद्रीनाथ धाम में आके? ओके, पूरी थकान दूर हो गई है, और मोदी जी के आने के बाद तो यहाँ पे काफी ज्यादा चहल पहल हो गई है। बिल्कुल आगे जाइए, आप जाएंगे वसुधरा फॉल, गणेश गुफा, सरस्वती, लेकिन जाने का बिल्कुल जरूर जाइएगा, और कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारे आप कैप्चर करके लाइए जो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे याक गाय का भी दिखाया गया, ये देखो ये पर्वती है याक गाय जो उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये मार्केट है पूरी, और आप देख सकते हैं इस तरह से सारे जो श्रद्धालु हैं बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद अब वसुधरा फॉल माणा गाँव और जो लास्ट चाय की दुकान है उसकी ओर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सरसों की खेती हो रखी है माणा गांव में, और इधर देखिए भगवान शिव जी, ये देखिए बहुत सुंदर। यहाँ पे ये देखिए पालकी में लेके भी जाते हैं, जो कोई बुजुर्ग है या जो चलने में समर्थ नहीं है तो उनको भी लेके जाया जाता है। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से ले जा रहे हैं। आ गए हैं अभी माणा कैंप है, और ये देखिए यहाँ टूरिस्ट की बसें आ रही है, और ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर सारा, और ये है प्रथम गाँव माणा, वहाँ से भी कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। पहुँच गए फर्स्ट इंडियन विलेज माणा, भारत का प्रथम गांव माणा। देखिए जो लास्ट गांव था उसको प्रथम गांव का दर्जा दे दिया गया है देखिए, और यहाँ से हम गए थे सीधा उधर को वसुधरा फॉल के लिए माणा मार्केट होते हुए, और इधर यहाँ पे सारे जो है श्रद्धालु और जितने भी टूरिस्ट हैं वो फोटोज खिंचा रहे हैं। देखिए आप जा रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ से, और देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। तो आप चलते हैं आगे, नाश्ता करके चलते हैं। ये देखो यहाँ से चल रहे हैं ऊपर।
ये धौली गंगा अलकनंदा का संगम है यहाँ पे विष्णु प्रयाग में। देखो ये देखो यहाँ से दिखेगा, देख ये देख लो ऐसा संगम है। देखिए ये अलकनंदा नदी है और वो धौली गंगा देखिए, और यहाँ पे इनका संगम हो रहा है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये संगम, प्यारा सा संगम है। ये देखिए विष्णु प्रयाग में दोनों नदियों का, अलकनंदा और धौली गंगा का। और ये यहाँ से नीचे बह रही है आगे जोशीमठ में। ये देखिए ये देखिए। और अभी यहाँ पे जाम लगा हुआ है, देख सकते हैं चार धाम यात्रा पे। और ये जाम लगा हुआ है कुछ नौसुखियों की वजह से, जो बीच लाइन में घुसेड़ देते हैं कहीं भी। ये देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है, देखिए और 3 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। ये देखिए 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 ये देखिए पूरा लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत बुरी हालत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चार धाम यात्रा खासकर बद्रीनाथ हाईवे पे कितना लंबा जाम लगा हुआ है। तो आज मैं रुद्रप्रयाग तक जाने वाला हूं और कल मैं जाने वाला हूं एक नए एक्सप्लोर करने के लिए जगह को। तो आप बने रहिए जेम्स राउत ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और अगर कुछ कमियां लगती हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उन पर ज़रूर काम करूँगा। और तो इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं समापन। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय मां नंदा देवी, जय देवभूमि उत्तराखंड। सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।